से डालेंगे नहीं, कटेगा नहीं, बस उसको खुशी का दिखाना है, बस छोड़ देंगे, अपलोड नहीं करेंगे, डायरेक्ट मोबाइल दे के करवा देंगे। सोमवार को कन्फर्म पूरा टेस्ट होगा, इसलिए इस पर डाउट नहीं करना। एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी बुक जनाब एनसीईआरटी, सॉरी, हम पिछले क्लास में एसी पढ़ा रहे थे ना, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा रहे थे ना, और अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ाए थे पावर पढ़ाए थे, और पावर का मतलब था कि ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई, इतना किए थे ना, थोड़ा इसी को हम कंटिन्यू कर दें, वहीं तक किए थे कि और कुछ किए थे, और कुछ लिखवाए थे, हैं फाई, और नीचे फिर डिस्कस कुछ नहीं किए थे, फाई जीरो, हाँ वो तो किए थे, तो अच्छी बात है, मतलब ऐसा है ना कि हम उसको डिस्कस कर दें, उसका मतलब क्या हुआ, पावर पढ़ाए थे, और पावर का जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था पी बराबर P इक्वल ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई लिखा था, कहा था कि ये जो पावर है फाई इक्वल जीरो होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग फेज फैक्टर, फेज फैक्टर या फेज एंगल बोलते हैं ना इसको, तो बोला था फाई जीरो होगा कब, फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, फाई जीरो होगा फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो यहां पे पावर क्या हो जाएगा, तो जो पावर हो जाएगा पी वो ओनली हो जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मतलब होता है वन, यानी पावर हो जाएगा हमारा ओनली ई आर एम एस आई आर एम एस। हमने कहा था कि फाई इक्वल होता है, फाई जो होता है वो प्लस पाई बाई टू होता है, वी का वैल्यू फाई का वैल्यू प्लस पाई बाई टू होता है,
जब हमारा सर्किट जो होगा वो प्योरली कैपेसिटिव होगा, फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, है ना। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, पावर अगर देखोगे उस सर्किट में तो देखो भाई क्या हो जाएगा, ERMS, IRMS, कॉस कितना भाई, पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, मतलब ये जो पावर होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा, पावर क्या होगा जीरो हो जाएगा। प्योरली इंडक्टिव सर्किट है केस में, फॉर अब क्या है कि फाई का वैल्यू माइनस पाई बाई टू होता है, फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो इंडक्टिव सर्किट में फाई का वैल्यू माइनस पाई बाई टू, अगर पावर देखेंगे हम तो ERMS, IRMS, कॉस माइनस पाई बाई टू, और ये फिर कितना हो गया भाई, जीरो हो गया। तो पावर अलग अलग सर्किट में अलग अलग होगा, नहीं अब ये तीन हम सिर्फ कहे हैं, आपके पास तीन और है, एक LR सर्किट, एक RC सर्किट और एक LCR सर्किट। आप हर जगह पावर निकाल सकते कॉस फाई का वैल्यू निकाल के, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बोलो हाँ, रूट टू कैसे आ गया, बहुत अच्छी बात है। हमने पावर का फॉर्मूला लिखाया था, पावर इक्वल ई नॉट आई नॉट बाय टू, यही था ना, कॉस फाई था, यही था ना भाई। तो इसको हम कह रहे हैं कि ई नॉट बाई हम लोग बढ़े आगे, इसको उतार लीजिएगा, उतार लीजिए इसको, जल्दी उतारिए, हम आगे बढ़ेंगे। कल पढ़ाया था हमने पावर का फॉर्मूला, उसमें एक सिर्फ केस लिखा था, पावर का वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं किया था।
बड़े आगे हैं। एक दो सवाल हम बनाते हैं, उसके बाद फिर आगे कुछ थ्योरी पढ़ाएंगे, है ना। सवाल ये है कि आप अगर जाते हैं कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस खरीदने के लिए, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, या फिर आयरन, या फिर हीटर, तो उस पर लिखा रहता है, आप अगर ढंग से देखिएगा तो लिखा रहेगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिखा रहता है ना। तो ये क्या दिया हुआ है, ये हमारा जो है वो, ये हमारा ERMS दिया हुआ है। ERMS बोलें या VRMS बोलें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा कितना हो गया 220 वोल्ट हो गया। मतलब अगर दिया हुआ है वो, तो V0, E0 या फिर V0 नहीं दिया हुआ है, मतलब ये लिखा हुआ है 220 वोल्ट, इसका मतलब कि वो RMS वोल्टेज दिया हुआ है, समझे। और ये जो हुआ, ये फ्रीक्वेंसी दिया आता है कितना भाई 50 हर्ट्ज। इसके हेल्प से आप ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा इक्वल हो जाएगा, मिटाते हैं इसको हम थोड़ा सा, कहने का मतलब कि अगर लिखा हुआ है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मीन्स समझना है कि ये चीज जो है वो ERMS दिया हुआ है, RMS वोल्टेज दिया हुआ है, कहीं कहीं ERMS लिखा रहेगा, कहीं VRMS लिखा रहेगा, या अपने मन से लिखना भी है, और ये आपको रहेगा 220 वोल्ट। ये फ्रीक्वेंसी है, F दिया हुआ है, F का मतलब 50 हर्ट्ज है, आप इसके हेल्प से ओमेगा निकाल सकते, क्योंकि ओमेगा जो होता है वो क्या होता है भाई 2π/T होता है, इसको लिखते हैं 2π और ये F लिखते हैं, 1/T को हम लोग F बोलते हैं, और तभी ओमेगा कितना हो जाएगा 2π × 50, यानी कितना हो गया भाई 100π, ये रेड पर सेकंड हो जाएगा। मतलब इसे आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं ऐसे। एक सवाल है, आप उस सवाल को बनाइए, ज़्यादा समझ में आएगा। लिखिए ना, एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको उतारना नहीं है, इसी पे सवाल हम दे रहे हैं, हम समझा रहे थे, सवाल बनाइएगा ना तो क्लियर हो जाएगा, इसको उतारना नहीं है बच्चा, हम जो कह रहे हैं उसको देखिए ना, लिखिए। ए 100 ओम रजिस्टर, ए 100 ओम रजिस्टर, ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू, ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट ऐसा 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। अब कहता है क्या कि ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है भाई, आपको कैलकुलेट व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज द ए लिखेंगे और लिखेंगे व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। दूसरा क्वेश्चन कहता है, बड़ा सिंपल लिखना है, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड
ओवर ए फुल साइकिल, ओवर ए फुल साइकिल। सॉल्यूशन है ना 50, ये लिखा है इसका मतलब ये हम लिख सकते, और ये लिखा है इसका मतलब हम ये लिख सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये हम ओमेगा निकाल लिया इसका, अब जो कहता है हम लोग काम कर लेंगे। क्या कहता है हमको पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है कि आप जो है क्या कीजिए कि आरएमएस करंट कैलकुलेट कीजिए, यानी आई आरएमएस का वैल्यू क्या होगा, आई आरएमएस का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे आई आरएमएस पढ़ते हैं, आई आरएमएस बराबर आई नॉट अपॉन रूट टू पढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे पास आई नॉट भी नहीं है कि हम डिवाइड कर दें रूट टू से तो मेरा काम चल जाए। तो हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए इस चीज़ को निकालने के लिए हम लोग इसको वी नॉट निकाल लें, क्या निकाल लें हम लोग वी नॉट निकाल लें। तो वी नॉट निकाल लेंगे तो वी नॉट इक्वल हो जाएगा कितना भाई, वी आर एम एस या ई आर एम एस का मतलब हम लोग पढ़ते हैं कितना भाई, ई नॉट बाई रूट टू, यही ना पढ़ते हैं, ई नॉट बाई रूट टू, यानी इससे रूट टू से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगा हमारा, ई नॉट निकल जाएगा। हाँ तो ई नॉट निकल जाएगा, ई नॉट बराबर कितना भाई, 220 मल्टीप्लाई रूट टू, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारा ई नॉट निकल चुका। अब ई नॉट निकल चुका तो आई नॉट निकाल लेंगे, क्योंकि प्योरली रजिस्टिव सर्किट है तो आई नॉट हमारा हो जाएगा आई नॉट इक्वल ई नॉट बाई आर हो जाएगा, आई इक्वल ई नॉट बाई, इसे पढ़े थे प्योरली भाई, आई बराबर ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, आ रहा था ना भाई, इसी को ना कह रहे थे आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट का मतलब कितना, ई नॉट बाई आर, तो हमारा आई नॉट निकल गया ई नॉट बाई आर, ई नॉट इतना है ना 220 रूट टू बाई, लिख दे इसको, ए 220 इंटू रूट टू डिवाइड बाई कितना 100, ये क्या निकल गया हमको आई नॉट निकल चुका, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब आई नॉट निकल चुका तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, आई नॉट बाई कितना बच्चा रूट टू, तो हमारा आई नॉट मालूम है कितना 220 मल्टीप्लाई रूट टू बाई 100 डिवाइड बाई रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट, ये 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर क्या निकला हमारा आरएमएस करंट निकला, पिक करंट तुम्हारा ये था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है बी क्वेश्चन, बी में बोलता है कि आप क्या कीजिए पावर निकालिए, कब एक साइकिल में नेट पावर क्या होगा, है ना भाई। तो पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, पावर जो होगा वो ई आर एम एस आई आर एम एस और कितना बच्चा कॉस फाई, और फाई फाई इज अब चूंकि प्योरली ओनली रजिस्टर लगा है ना तो फाई जीरो ना, तो यहाँ पे फाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब पावर जो हो जाएगा वो आपको ई आर एम एस मल्टीप्लाई कितना आई आर एम एस, ई आर एम एस मालूम है कितना भाई 220 वोल्ट मल्टीप्लाई आई आर एम एस 2.2 आया है, यही ना आया है। इसको अगर हम डिवाइड करें ऐसे ऐसे, अरे पॉइंट हटेगा ना भाई, ये 10 से 10 कैंसिल होगा, 22 गुने 22 आ गया, 22 गुने 22
इसको करोगे यही बाट आएगा, इसको हम लोग डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। उतार लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया सबको, किसी को दिक्कत? मतलब दिया हुआ है ना रीडिंग, अब कुछ नहीं लिख ले है, इसका मतलब कि वो क्या दिया है, आरएमएस दिया हुआ है। क्या गलती हो गया? नहीं, रजिस्टिव सर्किट है, 100 ओम का रजिस्टर ओनली लगा हुआ है, तो रजिस्टर है और कुछ दी उसमें दिया नहीं है, तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए फाई कितना था? 0 था। क्या क्वेश्चन समझ नहीं आया? पावर का वाट होगा, यूनिट जूल पर सेकंड इज कॉल्ड वाट, देखिए ना, एक बड़ा सिंपल सवाल लिख दो, ये एक्सरसाइज का पहला सवाल है, 7.1 लिखो तो एक सवाल, 7.2 बहुत सिंपल सवाल है, क्वेश्चन कहता है ना कि तब क्वेश्चन लिखेंगे 7.2 का पहला क्वेश्चन है ये, कहता है द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई, the peak voltage of an AC supply is 300 volt, full stop. What is the RMS voltage? B question है, बी ये लिखे ना, बी है द आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट
RMS value of current in an AC source is, in an AC source is 10 ampere, the RMS value of current in an AC source is 10 ampere. Full stop. What is the peak current? What is the peak current? बन जाएगा दोनों, दोनों ही सवाल सिंपल है। क्या चीज दिया हुआ है? पीक वोल्टेज जो वी नॉट होता है। हाँ वोल्टेज है ना, ई नॉट बोले या वी नॉट बोले, आई नॉट को पीक करंट बोलते हैं। उससे क्या मतलब है, हमको सर्किट के बारे में कुछ ज्ञान नहीं दिया है, हमको करंट दिया है ना। और वोल्टेज देखिए, पहला सवाल है कि कोई सर्किट है, अब उस सर्किट में जो सोर्स लगा हुआ एसी सप्लाई का, उसका पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट लिखेंगे या वी नॉट लिख दें। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना भाई, 300 वोल्ट। कितना सिंपल सवाल है। अब क्या कहता है कि आप आरएमएस, वही ना पूछ रहा है, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, वही तो वी आरएमएस हम फॉर्मूला पढ़े हैं, जानते हैं। वी आरएमएस पूछ रहा है, ई आरएमएस बोले या वी आरएमएस बोले, यही पूछ रहा है। हाँ तो ई आर एम एस का मतलब होता है ई नॉट बाई रूट टू। तो आपको ई नॉट मालूम है, 300 बटा रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू। रेशनलाइज कर देंगे, ये कितना आ गया बच्चा, 150 मल्टीप्लाई, इसको निकाल लीजिएगा, इतना वोल्ट हो जाएगा। रूट टू का वैल्यू होता है 1.414 414। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, आंसर निकल जाएगा। बी क्या कहता है, बी कहता है आपको कि बी क्वेश्चन में बोल रहा है क्या बच्चा, बी क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर। तो आई आर एम एस जो है वो 10 एम्पियर दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, पिक निकालना है। तो आई आर एम एस का मतलब आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट रिप्रेजेंट पिक करेंट, तो आई नॉट का मतलब लिख लेंगे कितना बच्चा, रूट टू मल्टीप्लाई आई आर एम एस। और आप आराम से लिख सकते 1.414 मल्टीप्लाई कितना बच्चा, 10 ना, ये 14 पॉइंट कितना जाएगा, 14 ना भाई, नहीं आएगा गुना करने पे, 14.00 उधर शिफ्ट कर जाएगा एक। ऐसा ऐसा सवाल आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, हाँ ठीक है। तो आरएमएस क्या है, पीक क्या है ना, ये सब बहुत जानकारी बता तो दिए हैं थ्योरी, लेकिन आपको दिया रहेगा आंकड़ा, समझ में नहीं आया क्या दिया है क्या नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए, बहुत सिंपल सवाल है। और सब बच्चा सारा
बहुत चीज़ एक के बार आता है, दुर्गा पूजा की सच्चाई जान जाओगे तो फिर जाना बंद कर दोगे। आपको नास्तिक थोड़ा बनने बोल रहे हैं, हम कहते हैं कि किसी भी चीज को मानने के पहले उसको जांचिए और परखिए, है ना। बिना जांचे बिना परखे कैसे कह देंगे। दुर्गा के कनेक्शन को देखना है कि वो कौन थी, तो उसकी हल्की झलक जो है ना, वो आपको देवदास एक मूवी है ना, उसमें उसको बताया गया है। शाहरुख खान का है वो, और इतना आप पूछिएगा किसी से सिर्फ, है ना, हम बता देते हैं, उस पॉइंट को गौर कीजिएगा। दुर्गा की जो मूर्ति बनती है उसमें जो मिट्टी होता है वो प्रोस्टिट्यूट के आंगन का होता है। दुर्गा की जो मूर्ति बनती है वो मिट्टी जो बनती मूर्ति जो बनता है उसमें जो मिट्टी आती है वो प्रोस्टिट्यूट के आंगन की होती है। सुना है क्या सच्चाई है? क्यों, रीजन बिहाइंड इट क्यों, क्यों हिंदी में बताएं। बढ़े आगे, क्वेश्चन कहता है बड़ा सिंपल, हम लोग आगे देखेंगे। लिखो ना, ए ए 44 ए 44 मिली हेनरी, मिली हेनरी स्मॉल एम कैपिटल एच, ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड। हेनरी किसका यूनिट? सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट। ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू लिखना पड़ेगा भाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, एसी सप्लाई फुल स्टॉप। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट।
बनेगा कि बनाए इसको? क्या बनाए हम? बनेगा आप लोग से? हाँ, इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल का वैल्यू मालूम है कितना भाई? 44 मिली हेनरी। जेड 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 किसका होता है? जेड यहाँ पे क्या रखेंगे? जेड का वैल्यू नहीं, जेड होता है यहाँ पे प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। तो जेड का वैल्यू, इम्पीडेंस का वैल्यू, इम्पीडेंस का वैल्यू ओमेगा इंटू एल, नॉट ओनली एल। और ओमेगा निकाल लेंगे, किससे निकाल लेंगे ओमेगा? वही 50 हर्ट्ज से, हाँ उसके हेल्प से ओमेगा निकल जाएगा। 2π/f के 2π/f बन गया। ठीक है, उल्टा कर बड़े आगे हम लोग। हाँ हाँ जी, ई आर एम एस दिया हुआ है। ई आर एम एस का वैल्यू 220 वोल्ट है। ओमेगा मुझे मालूम है 50 हर्ट्ज, कहीं कोई दिक्कत नहीं।